Hello students, welcome to Pradesh Institute of Education. I, your Deepika Yadav ma'am, going to teach you mathematics. Today we are going to start a new chapter, cube and cube root. Now we have learned about square and square roots, and if you have studied that chapter very well, then this chapter is going to be very easy for you guys. Okay, so let's start this chapter. वी हैव ओनली टू थिंग्स टू डू फर्स्ट वील फाइन द क्यूब एंड देन वील फाइन द क्यूब रूट सिर्फ यही दो चीज़ें हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है एक है क्यूब और एक है क्यूब रूट सबसे पहले देखते हैं क्यूब्स क्या होते हैं जैसे कि हमने स्क्वायर्स में पढ़ा था कि स्क्वायर्स क्या होते थे जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो हमें स्क्वायर मिल जाता था मतलब स्क्वायर के केस में हम किसी नंबर को टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते थे वैसे ही क्यूब के केस में क्या होता है फॉर अ गिवन नंबर ए वी डिफाइन क्यूब ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए मतलब कोई नंबर अगर हम लेंगे और उस नंबर को उसी नंबर से थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम क्या फाइंड कर रहे होंगे हम फाइंड कर रहे होंगे उसका क्यूब किसी भी नंबर को हम तीन बार मल्टीप्लाई कर देते हैं मतलब उस नंबर का क्यूब निकल जाता है अब स्क्वायर के केस में हम कैसे डिनोट करते थे हम डिनोट करते थे ए टू दावर टू यहाँ पर जब भी हम किसी नंबर का क्यू फाइंड करेंगे देन वील राइट इट एज ए रेस टू द पावर थ्री बेस एज नंबर हम लेंगे एंड पावर जो भी हमारा एक्सपोनेंट है वो हम लेंगे थ्री सो सी हाउ इज इट क्यूब ऑफ अ नंबर चलिए एक्साम्पल देखते हैं

तो हमें मिला वन ट्वेंटी फाइव सो वी विल से क्यूब सेवेंटी फाइव कितना इजी है स्क्वायर्स हमने सीखा है उसके बाद क्यूब्स हमारे लिए फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है चलिए सो हैव नोन अबाउट परफेक्ट स्क्वायर हियर दिस इज अव टर्म परफेक्ट क्यूब जिस तरीके से आपको परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट अगर याद है वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट हमारा है परफेक्ट क्यूब का चलिए देखते हैं नेचुरल नंबर इज सेट टू बी अ परफेक्ट क्यूब इफ इट इज द क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर क्या होते हैं वो हम सभी को पता है नेचुरल नंबर सेट ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू इनफिनिटी किसी भी नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर तब बोलेंगे जब वो किसी नेचुरल नंबर का क्यूब होगा क्या कहना चाह रहे हैं हम कोई भी नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब तभी हो सकता है जब वो किसी नेचुरल नंबर का क्यूब होगा चलिए एक्साम्पल देखते हैं हमने यहाँ पर कुछ डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स लिए हैं लाइक क्यूब ऑफ वन विल ऑलवेज बीक्वल टू वन वन को हम कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें आंसर हमें वन ही मिलेगा टू का क्यूब फाइन करने पर हमें मिला एट मतलब एट जो है वो टू का क्यूब है ऐसे ही ट्वेंटी सेवन जो है थ्री का क्यूब है सिक्सटी फोर फोर का क्यूब है अभी भी हमने फाइन किया था इसे एन वन ट्वेंटी फाइव फाइव का क्यूब है मतलब ये जो नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं ये नंबर किसी न किसी नंबर्स के क्यूब हैं इस तरीके के और भी नंबर्स होते हैं तो हम कहेंगे वन एट ट्वेंटी सेवन सिक्सटी फोर वन ट्वेंटी फाइव एट्सट्रा आर परफेक्ट क्यूब्स हमारी परफेक्ट क्यूब की डेफिनेशन यही कहती थी कि अगर कोई नंबर किसी नेचुरल नंबर या दूसरे नंबर का क्यूब है तो उसे हम परफेक्ट क्यूब बोलते हैं नोट अ गिवन परफेक्ट क्यूब इफ इट कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब है किसी भी नंबर को हम परफेक्ट क्यूब तब बोलते हैं जब हम उसे एक्सपेंड कर पाए एक्सप्रेस कर पाए उसके प्राइम फैक्टर के ट्रिपलेट्स में मतलब जो भी हमारे प्राइम फैक्टर्स आने चाहिए वो हमारे थ्री थ्री के ग्रुपिंग बनाने चाहिए कैसे चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से समझते हैं इसी के थ्रू हम सीखेंगे कि ट्रिपलेट कैसे फॉर्म करना है या ग्रुपिंग कैसे होती है उस बेसिस पे हम किसी नंबर को परफेक्ट क्यूब कहते हैं या नहीं कहते हैं शो दैट 189 एटी नाइन इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब हमें यहाँ शो करना है कि 189 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है कैसे शो करेंगे हम फाइंड आउट करेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स अब प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते थे आई होप हम सभी को पता है चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते थे प्राइम फैक्टर्स क्लियरली हमें पता है ये नंबर जो है ये थ्री से डिविजिबल है कर लेते हैं अगेन दिस इज डिजिबल बाय थ्री अगेन नाउ इज अम नंबर बी डिविजिबल बाय सेवन प्राइम फैक्टर्स क्या मिले हमें यहाँ पर थ्री 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 एंड सेवन मतलब हम वन एटी नाइन को लिख सकते हैं थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय सेवन हमने यहाँ पर 189 को एक्सप्रेस किया उसके प्राइम फैक्टर्स में अब परफेक्ट क्यूब के डेफिनेशन से हमें ये तो पता है कि यहाँ पर इन नंबर्स के इन फैक्टर्स के ट्रिपलेट बनने चाहिए लेकिन यहाँ पर एक थ्री की तो ग्रुपिंग हो रही है हमने बोला ट्रिपलेट बनना चाहिए तो थ्री तो ट्रिपलेट में आ गया बट सेवन नहीं आया यहाँ पर सेवन की ग्रुपिंग नहीं हो रही है थ्री वे में थ्री so, के ट्रिपलेट बन गए बट सेवन हमारे पास सिंगल डिजिट बची हुई है इसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है दस 189 कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स हम 189 को प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स के वे में एक्सप्रेस नहीं कर पाए दस यहाँ पर हम कहेंगे 189 एटी नाइन इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है यहाँ पर ट्रिपलेट्स नहीं फॉर्म हुए सारे ही फैक्टर्स के तो मतलब जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है वो नंबर किसी भी नंबर का क्यूब नहीं होता वेरी इजी राइट प्राइम फैक्टर्स निकालना अगर हमें आता है तो हमारे लिए स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ये सारी चीजें थोड़ी सी इजी हो जाती है एक और क्वेश्चन देखते हैं नाउ शो दैट टू वन सिक्स टू हंड्रेड सिक्सटीन इज अ परफेक्ट क्यूब फाइन द नंबर हु टू हंड्रेडटीन अब हमें यहाँ पर पहले चेक करना है कि टू हंड्रेड सिक्सटीन एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं उसके बाद अगर वो है तो हमें बताना है कि वो किस नंबर का क्यूब है सिमिलर प्रोसेस से हम पहले फाइंड आउट करेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना आपको मालूम है आप जब 216 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अगेन 3 एंड अगेन 3 इसके प्राइम फैक्टर्स कुछ इस तरीके से आए अब यहाँ पर हम इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं क्योंकि सारे ही टू और थ्री की पेयरिंग हो रही है तो हमने इनकी ग्रुपिंग कर ली एक पेयर बन गया टू मल्टीप्लाई बाय थ्री अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय थ्री देन अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय थ्री इस तरीके से टू मल्टीप्लाई बाय थ्री हम लिख लेते हैं इन तीनों पेयर में से हमें सिक्स 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 मिल गया अब क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि सिक्स जो है वो एक ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है हमारे पास यहाँ पर थ्री सिक्स का एक ग्रुप है मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं सिक्स टू दावर थ्री सिक्स जो है वो थ्री टाइम्स लिखा है इसीलिए हमने उसे लिख दिया सिक्स टू दावर थ्री यहाँ पर दो चीज़ें हमें मिल गई एक क्या कि 216 जो है वो परफेक्ट क्यूब है कैसे क्योंकि यहाँ पर हमने उसके प्राइम फैक्टर्स को ट्रिपलेट्स के फॉर्म में अरेंज कर लिया और वो अरेंज हो भी गए सेकेंडली 216 जो है वो किसका क्यूब है सिक्स का क्यूब है सो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने फाइंड आउट किया कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं उसी से हमें पता चला कि वो जो नंबर है वो किस नंबर का क्यूब है दस 216 is a perfect cube, and 6 is the number whose cube is 216. Chalye, ek question dekhte hai. So, in this question, we have what is the smallest number by which 3087 may be multiplied so that? दी प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि हम नंबर विच इज़ थ्री थाउजेंड एटी सेवन को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये जो नंबर है वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए परफेक्ट क्यूब की डेफिनेशन से हम अब तक जानते हैं कि परफेक्ट क्यूब तभी पॉसिबल है जब उसके सारे प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो ट्रिपलेट के फॉर्म में अरेंज हो जाए इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे चलिए देखते हैं कैसे करना है सबसे पहले 3087 को हम लिख लेते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स के वे में तो हमें प्राइम फैक्टर्स मिले हैं थ्री थ्री सेवन सेवन एंड सेवन यहाँ पर क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि हमें एक ट्रिपल एट तो मिल रहा है बट थ्री जो है वो ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रहा तो हमें यहाँ पर किस एक डिजिट की रिक्वायरमेंट है क्लियरली अगर हम यहाँ पर इस नंबर को एक थ्री दे दें तो ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा क्योंकि एक थ्री के साथ हमें थ्री का भी ट्रिपलेट मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए एक थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे क्लियरली टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब इट मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय थ्री क्यू थ्री से कर रहे हैं हम हम अभी देख चुके हैं कि यहाँ पर एक थ्री की रिक्वायरमेंट और है ट्रिपलेट बनाने के लिए इसीलिए हम इस नंबर को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये जो नंबर है मिल जाएगा परफेक्ट क्यूब में और हमें इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना था कि हम इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए परफेक्ट क्यूब तो वो नंबर हमें मिल चुका है थ्री अंडरस्टूड चलिए क्यूब्स निकालना हम सब सीख चुके हैं परफेक्ट क्यूब क्या होता है वो भी हम सीख चुके हैं नेक्स्ट इज क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स के क्यूब निकालना तो हमने सीख लिया वैसे ही जिस तरीके से हम पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब निकालते हैं नेगेटिव इंटीजर्स का क्यूब भी बहुत ही इजी होता है सिर्फ एक छोटी सी चीज़ का हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है लेट्स व्हाट इज इट द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव व्हेन वी हैव टू फाइंड द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर वी विल राइट द क्यूब इज नेगेटिव ओनली बिकॉज लेट्स एन एग्जांपल माइनस वन क्यूब क्यूब ऑफ माइनस वन विल बी माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन देन इन दिल गेट माइनस वन अगर हम किसी एक नेगेटिव नंबर का क्यूब फाइन कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है कि वो जो क्यूब है एट दी एंड वो नेगेटिव ही आ रहा है जैसे वन केस में वन को हम कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें वन ही आएगा और हम ये जानते हैं क्योंकि हमारी ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स है ये ऑड है और ये सारे ही नेगेटिव है इसका मतलब विल गेट अ नेगेटिव साइन इन दी आंसर एज वेल करेक्ट Let us see few more examples. So, here we took minus 2 and minus 3. So, again to find the cube of minus 2, we need to multiply minus 2 3 times. So, minus 2, minus 2, minus 2, which will be equals to minus 8. How? We know that when we multiply 2, 2, and 2, we will get 8 only. And here also we have.

जब हमने माइनस थ्री का क्यूब फाइन किया तो एट दी एंड हमें जो क्यूब मिला वो मिला माइनस ट्वेंटी सेवन तो हम ये यूज़ करेंगे इस चीज़ का कि कभी भी अगर हम नेगेटिव नंबर का क्यूब फाइन कर रहे हैं तो वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा बाकी क्यूब कैसे फाइन करना है वो तो हमें आता ही है क्यूब फाइंड करना सीख लिया नेगेटिव इंटीजर्स का क्यूब कैसे फाइंड करना है वो भी पा गया हमें अब हम फाइंड करेंगे क्यूब ऑफ रेशनल हम कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है नंबर इन फॉर्म ऑफ पी बाय क्यूब इस केस में अगर हमें उस नंबर का क्यूब फाइंड करना होगा अगर उस नंबर पर होल क्यूब लगा होगा तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं कि हमने यहाँ लिया है ए बाई बी का होल क्यूब ए बाई बी का होल क्यूब का मतलब क्या होता है क्लियरली हमें पता है कि किसी भी नंबर टर्म के ऊपर अगर क्यूब लगा होता है मतलब उन्हें हमें थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है कर लेते हैं ए बाई बी ए बाई बी ए बाई बी इसे हमने तीन बार लिख लिया मल्टीप्लाई के केस में अब हम ये सीख चुके हैं कि अगर हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं या रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दैट केस वी नीड टू मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर विद द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर उसी कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पर इस चीज़ को लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए होल अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी सारे न्यूमिनेटर्स एक साथ एंड होल अपॉन में सारे डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर अब हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी टर्म को तीन बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उसे लिख सकते हैं ए क्यूब नीचे हम बी को तीन बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर में तो हम यहाँ पर भी इसे लिख सकते हैं बी क्यूब हम निकाल रहे थे ए बाय बी का होल क्यूब इन दी एंड हमने उसे एक्सप्रेस कर लिया ए क्यूब बाय बी क्यूब इसका मतलब जब भी भी हम किसी रेशनल नंबर का होल क्यूब फाइंड करेंगे तो हम उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का इंडिविजुअल क्यूब फाइंड करके उसे लिख देंगे सी रेशनल नंबर का क्यूब फाइंड करना भी कितना इजी होता है चलिए एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं सो हियर आई टूक एन एग्ज़ाम्पल एज थ्री बाय फाइव होल क्यूब थ्री बाय फाइव का होल क्यूब निकालना है तो अभी हमने सीखा था कि इसे पहले हम अलग अलग करके लिख लेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करने के लिए सारे न्यूमिनेटर्स एक साथ एंड सारे डिनोमिनेटर्स का एक साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरीके से लिख लिया हमने इसके बाद सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जब हम थ्री को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिलेगा ट्वेंटी सेवन और फाइव को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा वन ट्वेंटी फाइव मतलब थ्री बाय फाइव का होल क्यूब हो गया ट्वेंटी सेवन बाय वन ट्वेंटी फाइव वेरी इजी राइट एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर हमने एक नेगेटिव रेशनल नंबर लिया है अब नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो फाइन तो हमें डी एन क्यूब भी करना है कैसे करेंगे हमने यहाँ पर अभी एक रिज़ल्ट निकाला था कि अगर किसी रेशनल नंबर का होल क्यूब हो रहा है तो हम उसको सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर यहाँ पर हमने वही कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया डायरेक्टली बार बार ये चीज़ें लिखने की जगह हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं तो हमने क्या किया माइनस टू रेस टू दावर थ्री बाय थ्री रेस टू पावर थ्री लिख लिया अब क्यूब कैसे फाइन करना है माइनस टू का क्यूब क्या होता है कि इसे तीन बार मल्टीप्लाई करना है इसको हमें मल्टीप्लाई करने पर मिला माइनस एट यहीं पर डिनिनेटर में थ्री का क्यूब निकाला हमने और थ्री का क्यूब निकालने पर हमें मिला ट्वेंटी सेवन सो माइनस टू बाय थ्री का होल क्यूब क्या आया माइनस एट बाय ट्वेंटी सेवन सो हमने देखा कि किसी भी रेशनल नंबर का क्यूब हमें कैसे फाइंड आउट करना है चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब यहाँ पर हमने बहुत अलग अलग कुछ नंबर्स लिए हैं जिनका हमें क्यूब फाइंड करना है क्यूब एक ही तरीके से फाइंड होता है उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हमने लिया है फर्स्ट माइनस सेवन फिर लिया है हमने एक मिक्स फ्रैक्शन फिर डेसिमल अब करना कैसे है चलिए देखते हैं फर्स्ट वाला तो हमारे लिए बहुत ईजी है अगर हमें माइनस सेवन का क्यूब निकालना है मतलब हमें क्या करना है माइनस सेवन मल्टीप्लाई बाय माइनस सेवन मल्टीप्लाई बाय माइनस सेवन हमने किया मल्टीप्लाई और हमें मिला थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री इससे पहले हम सीख चुके हैं कि किसी भी नेगेटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब फाइन करते हैं तो हमें वो नेगेटिव ही मिलता है तो माइनस सेवन एक नेगेटिव इंटीजर था इसीलिए इसका क्यूब भी जो है वो हो गया माइनस थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में क्या हो रहा है हमें दिया गया है एक मिक्स फ्रैक्शन अब मिक्स फ्रैक्शन को हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं इम प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है हम सभी को आता है थ्री मल्टीप्लाई बाय वन प्लस टू सो विल गेट फाइव इन दी डिन्यूमिनेटर एंड थ्री इन दिनोमिनेटर अब जब हमें इस नंबर का क्यूब निकालना है तो हमें पता है कि हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का सेपरेटली क्यूब फाइंड आउट कर लेंगे सेपरेट सेपरेट सॉल्व करने पर हमें मिला फाइव का क्यूब वन ट्वेंटी फाइव एंड डिनोमिनेटर में थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन तो इस नंबर का क्यूब आया 125 by 27. see mixed fraction सी फ्रैक्शन करना भी कितना इजी है और अभी हमने रेशनल नंबर को सॉल्व करना उसका क्यूब निकालना तो सीखा ही है चलिए अब डेसिमल का क्यूब कैसे find करेंगे तो अगर हमें मल्टीप्लाई करना आता है तो डेसिमल को भी हमें थ्री टाइम्स ही मल्टीप्लाई करना है या फिर हम यहाँ पर इससे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं कैसे अब हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो आता ही है हम 2.5 का अगर डेसिमल रिमूव करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर में मिलेगा 10, करेक्ट क्योंकि यहाँ पर वन प्लेस डेसिमल था इसीलिए हमने वन ज़ीरो लिया है यहाँ पर डिनोमिनेटर में अब इसके आगे तो केस सिमिलर ही है न्यूमिनेटर का क्यूब हम अलग से फाइंड कर लेंगे डिनोमिनेटर का क्यूब हम अलग से फाइंड कर लेंगे इसके पहले ये ट्वेंटी फाइव बाई टेन फाइव बाई टू में कन्वर्ट कैसे हुआ हमें पता है हमने यहाँ पर क्या किया हमने फाइंड आउट कर लिया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों ही नंबर का हमारे पास एच सी एफ है हमने उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को फाइव से डिवाइड कर दिया तो हमें मिल गया फाइव बाई टू अब ये जो फ्रैक्शन है थोड़ा स्लिपलर वे में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है अब हमने इसका सेपरेट सेपरेट क्यूब फाइंड कर लिया जिससे हमें मिल गया 125 ट्वेंटी फाइव बाय एट सो डेसीमल का क्यूब भी इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी एक डेसीमल का फॉर्म है उसे भी हम कुछ इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे पहले हमने जो डेसिमल नंबर था उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया अब क्योंकि यहाँ पर ओके okay, अब यहाँ पर हमें नंबर दिया गया है 0.06 क्योंकि डेसिमल में अब यहाँ पर सिर्फ टू प्लेसेस हैं तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर में हंड्रेड ले लेंगे क्योंकि डेसिमल के पास जितने प्लेस ऑफ डेसिमल होते हैं उतने ही ज़ीरो हम डिनोमिनेटर में वन के साथ ले लेते हैं अब हमने इसे सॉल्व कर लिया उसके पहले हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने पर हमें मिला थ्री बाय फिफ्टी थ्री क्यूब बाय फिफ्टी क्यूब ना थ्री क्यूब मीन्स ट्वेंटी सेवन एंड फिफ्टी क्यूब मीन्स वन टू फाइव जीरो ज़ीरो जीरो सो देखा हमने कि किसी भी नंबर कैसे भी नंबर हो फ्रैक्शन में हो डेसिमल में हो या नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उन सारे नंबर्स का क्यूब फाइंड करना कितना इजी होता है सो दैट्स इट फॉर टू लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस चैप्टर इन अ नेक्स्ट पार्ट सो हाउ डू यू ऑल नो वेन आवर नेक्स्ट लेक्चर कम सो फॉर दिस यू हैव टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल थैंक यू